आज को कर दे स्टार्ट। यही लग रहा था आप आए तब यहां कोई नहीं है, और 7 बजे भी पता नहीं क्लास होगी या नहीं होगी। अट्ठाईस तक ही है, चलो 28 तक ही कर। ट्वेंटी वन कहाँ हुआ था? के एस पुट्टू स्वामी और ये हो गया था। ये हुआ था ये हुआ था ये हुआ था तो ये नहीं हुआ था ना? ठीक है, ये करते हैं। देखिए आर्टिकल 21 की मैं बात करता हूँ। आर्टिकल 21 में एक चीज और ऐड की है। क्या बाद में ऐड की थी हमने? कौन सा लॉ ऐड किया था? राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन 21A ऐड किया है। अब इसको हमने यहाँ ऐड क्यों किया? यहाँ ही ऐड क्यों किया? और भी तो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके साथ ऐड क्यों नहीं किया? हाँ, दूसरा यही आपका फंडामेंटल राइट ऐसा है जहां पे और दूसरे लॉ इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं, जैसे लाइफ टू इंटरनेट, इंटरनेट एसेस, ठीक है, फ्रीडम टू इंटरनेट एसेस, प्राइवेसी
और ये जितनी भी आपके नई नई चीजें आ रही हैं, जैसे वो लव मैरिज, ये सारे इसी में इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं। आगे जितनी भी इंट्रीज हैं वो इसी के अंदर बढ़ती जा रही है, आर्टिकल 21 के अंदर। इसीलिए ये आपके फंडामेंटल राइट ऐसा है जिसके अंदर नए लॉ ऐड किए जा सकते हैं, जिसके अंदर नए लॉ हम ऐड करते हैं। अब राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन कब ऐड किया? 86 अमेंडमेंट में, 2002 में ऐड हुआ, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी टाइप टू से, सिंपल मेजोरिटी टाइप टू, ये क्या थी सर? सिंपल मेजोरिटी टाइप टू, हाँ सॉरी, स्पेशल मेजोरिटी टाइप, सॉरी सिंपल नहीं, स्पेशल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस स्पेशल मेजोरिटी, क्या स्पेशल मेजोरिटी? ये था प्रेजेंस ऑफ टू थर्ड, मोर देन टू थर्ड प्रेजेंट इन वोटिंग प्लस 50%, सिंपल मेजोरिटी। इसी को हम क्या बोले थे? आपकी स्पेशल मेजोरिटी टाइप टू। अब राइट टू एजुकेशन दे दिया सभी को, राइट टू एजुकेशन दे दिया सभी को, तो उसके लिए क्या बनाना पड़ा? राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाना पड़ा। क्यों बनाना पड़ा राइट टू एजुकेशन एक्ट? क्योंकि स्पेसिफाई करना था कि हमें सभी को क्या देनी है। अब फंडामेंटल राइट्स के केसेस में आप क्या नहीं दे सकते? फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहे हो, आप किसी को सजा नहीं दे सकते। आप किसी को, मान लो राइट ये एजुकेशन है, किसी की डिप्राइव हो रही है, डिप्राइव हो रही है, उसका मतलब क्या है? आप उसको बोलोगे जाके, कोर्ट क्या करेगा? ऑर्डर करेगा। एक्ट आ गया, एक्ट में क्या है? कोई वॉयलेशन नहीं हो सकता। दूसरा, रूल्स बनाने पड़े। क्यों बनाने पड़े रूल्स? इस एक्ट के अंडर रूल्स बनाने पड़े। क्यों बनाने पड़े? दीज आर द फॉलोइंग क्राइटेरिया विच यू शुड फुलफिल, कि आपको ये करना ही पड़ेगा। ये क्राइटेरिया दे दिए हैं हमने कि रूल्स के अंदर, रूल 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल करने ही पड़ेंगे। अब मान लो कोई इसके अंदर, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर हम फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देते हैं। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन कितने से कितने बच्चे को देते हैं? 6 to 14 ईयर के बच्चे को देते हैं, 6 to 14 ईयर के हर एक बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन देंगे, गवर्नमेंट ने कहा, चाहे वो प्राइवेट में जाए फिर या गवर्नमेंट स्कूल में जाए। प्राइवेट में सर कैसे दे सकते हैं? क्योंकि हमने एक्ट बना दिया, एक्ट बना दिया, एक्ट के अंदर क्या आ गई? प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही आ गई, मतलब पर्सनल और यूनियन की दोनों ही चीज आ गई। उस दरवाजे को बंद कर दो। पर्सनल और यूनियन दोनों ही चीजें आ गई। अब दोनों चीजें आ गई तो सर क्या होगा? क्या होगा? ये होगा भाई, प्राइवेट एंटिटी को भी एजुकेशन देनी पड़ेगी, कुछ परसेंट रिजर्वेशन देना पड़ेगा, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या प्राइवेट स्कूल हो, एजुकेशन तो देनी पड़ेगी। 6 से 14 साल के बच्चे कहाँ जाते हैं? स्कूल के अंदर जाते हैं, तो कॉलेज की हम बात नहीं करेंगे। 6 से 14 साल के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन कौन देगा? स्कूल देगा, नो मैटर वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। सर प्राइवेट क्यों देगा? प्राइवेट क्यों देगा फ्री? प्राइवेट तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन कल हम बात कर रहे थे कि हम क्या करते हैं, एक फॉर्म अप्लाई करते हैं, 36 है या 46A है, क्या नाम है उसका, उस फॉर्म के अंडर हमें कुछ सीट मिलती है। गवर्नमेंट ने क्या किया? कुछ सीट रिजर्व की है कि यहाँ यहाँ इस स्कूल में इतनी सीटें रिजर्व है। अब उसी के हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा, वहीं पे आपका क्या होगा? फीस नहीं लगेगी। जैसे उस लड़के का केस डिस्कस किया था हमने, उस लड़की ने चैलेंज किया कोर्ट में कि आपको कि मेरा नाम काट दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, प्राइवेट एंटिटी है, अगर आपको प्राइवेट में पढ़ना है तो आप रिजर्वेशन कैटेगरी के अंडर क्या करिए, एडमिशन लीजिए, या फिर आप सरकारी स्कूल में पढ़िए जहां पे आपको फीस नहीं देनी पड़े। ये समझ में आया? अगर मान लो कि कोई लड़की है, ठीक है, और उसे स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा, उसे स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा,
10 साल की लड़की, उसे स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा, उसके फादर नहीं भेज रहे स्कूल, तो क्या होगा? उनके फादर पे कोई वो मिल लगेगा, चार्जेस लगेगा पेरेंट्स पे? क्यों, क्या लगेगा? तो माँ बाप को उठा ले जाएंगे पुलिस वाले, क्यों समझाएंगे? वो तो कोई नहीं आता समझाने, अपने यहाँ तो कोई नहीं आता, अब भेजो ना भेजो, झुग्गी झोपड़ी के कितने सारे बच्चे, कोई नहीं आता। उल्टा पैसे देने पड़ते हैं सरकार को, अलाउंसेस एंड बेनिफिट देना पड़ता है सरकार को, सरकार को हाँ बोलना पड़ता है, आप आपकी बेटी को भेजो, हम लोग पैसे देंगे, स्कॉलरशिप देते हैं, कन्या स्कीम है एक जिसमें पैसे देते हैं, मिड डे मील स्कीम भी इसीलिए आई है कि गरीब बच्चे जाके स्कूल में खाना खा सके। अब उस मिड डे मील का पता नहीं क्या बना दिया, थी तो वो न्यूट्रिशन के लिए कि बच्चों में कुपोषणता कम हो जाए, अब जो आता है सिर्फ एक ही चीज आती है वहां पे, गले सड़े अनाज, जो केला वगैरह दूध वगैरह था ऐसा तो आज तक नहीं देखा। नो लीगल एक्शन, कोई भी लीगल एक्शन उसके पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं लिया जाएगा, 6 से 14 बच्चों को चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट, हर जगह एडमिशन दिया जाएगा। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही क्या है, कंपलसरी है इस एजुकेशन के लिए कि उनको कंपलसरी एजुकेशन देनी ही देनी है, कंपलसरी एजुकेशन वो भी कैसे देने हैं, फ्री एजुकेशन देनी है। अब आ जाइए प्राइवेसी, एक दूसरा पार्ट कर लेते हैं प्राइवेसी आर्टिकल 21 में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राणा जी। देखिए प्राइवेसी क्या होती है, राइट टू प्राइवेसी बहुत बार आता है, राइट टू प्राइवेसी क्या है सर? राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी का किस में आया था कंसेप्ट? पुट्टू स्वामी केस, के एस पुट्टू स्वामी केस का, के एस पुट्टू स्वामी केस में कहा गया कि भाई आपका राइट है प्राइवेसी का, ये डिफाइन नहीं किया गया प्राइवेसी क्या है, किस तरह की प्राइवेसी, प्राइवेसी कुछ भी हो सकती है, प्राइवेसी कुछ भी हो सकती है। तो ये ग्राउंड खाली छोड़ दिया, ये ग्राउंड खाली छोड़ दिया कि प्राइवेसी है क्या। प्राइवेसी टाइम टू टाइम डिफाइन की जाती है, प्राइवेसी टाइम टू टाइम बदली भी जाती है, किसी की प्रायोरिटी पे है कि वो किस चीज को प्राइवेसी में रखना चाहता है, तो कोर्ट उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, डिफाइन करता है। इसीलिए प्राइवेसी की कोई डेफिनेशन नहीं दी। हाँ जैसे आपका प्राइवेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी ऑफ डेटा, प्राइवेसी ऑफ बॉडी, ये जो भी है, प्राइवेसी ऑफ डेटा अभी ये सुप्रीम कोर्ट में है, केस चला हुआ है, जब वर्डिक्ट आएगी देखेंगे। प्राइवेसी ऑफ इंफॉर्मेशन कि आप अपनी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देना चाहो, आपके पास अधिकार है, आप अपना आधार कार्ड जो मांगने आते हैं नहीं देना चाहो, नई इंफॉर्मेशन शेयर करने, आपका अधिकार है, करो ना करो आपकी मर्जी, गवर्नमेंट का बेनिफिट लो ना लो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केएस पुट्टू स्वामी केस, केएस पुट्टू स्वामी केस में क्या कहा गया था कि भाई मेरी प्राइवेसी ब्रीच हुई है, कि मेरी इंफॉर्मेशन लीक हुई है। इंफॉर्मेशन क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो गई भाई, आपका कोई भी मान लो कुछ भी पर्सनल था, ठीक है, इससे रिलेटेड तो इंफॉर्मेशन ही थी कि कुछ भी पर्सनल था और वो कोई डेटा किसी ने हैक कर लिया। अब राइट टू प्राइवेसी क्या है, ब्रीच हो गया, ब्रीच हो गया तो यूनियन पुट्टू स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दी, हाँ भाई आपका ये तो नहीं होना था, प्राइवेसी तो ब्रीच नहीं होनी थी एटलीस्ट।
चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल आर्टिकल 23-24। आर्टिकल 23-24 क्या कहता है? एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है और एक्सप्लॉयटेशन में भी चाइल्ड लेबर की बात करता है। 23 दोनों के अगेंस्ट होता है, किसके अगेंस्ट? स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट होगा, ठीक है। अब ये क्या कहता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की हम कैसे बात कर रहे थे सर? कैसे होती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग? कल हमने बात की थी, हाँ कल हमने बात की थी, बच्चों को उठा लिया जाता है। यहाँ के बच्चे उठा के साउथ इंडिया में ले जाके भीख मंगवाते हैं, हाँ यहाँ के बच्चे उठा के कॉफी और बना देना, ये ग्लास ले गए, ये रहा इधर इधर। यहाँ के बच्चे उठा के उनको मार के उनके ऑर्गन्स क्या करते हैं? सेल करते हैं, ट्रैफिकिंग करते हैं उनके ऑर्गन्स की। तो ये क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही तो है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही तो है। होता है, बहुत सारे होते हैं। मैं अब कहोगे सर आपके ससुराल के ही एग्जांपल क्यों देते हो? मैं वहां घूमने गया था तो हुगली नदी है वहां पे, हुगली नदी के किनारे मेरा खुद का देखा हुआ है। आप बोल नहीं सकते, आपके सामने किसी को उठा के ले जा रहे हैं और बोल भी नहीं सकते क्योंकि वहां पे उनकी डोमिनेंसी होती है, उन्हीं का एरिया है। खुद की जान से हाथ थोड़ी धोना है, खुद की जान प्यारी है। हाँ। और हमारी अर्धांगिनी तो वहां पे सारे दिन रहती है तो उनको पता है। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बेगार। बेगार कल देखा था हमने, बेगार क्या है? बेगार क्या है? मैंने बोला थी, एक लाइन बोली थी, बेगार से बेकार भला। क्यों? हाँ पैसे नहीं मिलते, अनपेड लेबर होती है, वर्क विदाउट वेजेस, जो क्या करती है? काम करती है विदाउट वेजेस, वर्क विदाउट कंसेंट। विदाउट कंसेंट सर? अभी आप बोला वर्क विदाउट वेजेस और ये वर्क विदाउट कंसेंट, मतलब क्या हुआ सर? मतलब वही तो हुआ, मेरी इच्छा के बगैर मेरे से काम करवा रहे हो। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, बच्चे उठा लिए जाते हैं, उनसे भीख मंगवाई जाती है। अगर नहीं मांगोगे तो थप्पड़ खाओगे, नहीं मांगोगे पिटाई खाओगे। गर्ल्स उठा ली जाती हैं, दिल्ली में बुर्थल्स पे बिठा दी जाती हैं। स्टेट प्लस प्राइवेट दोनों के ऊपर, स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। आगे देखिए 24 किसकी बात करता है? चाइल्ड लेबर की बात करता है, इसी की बात करता है 24 की, चाइल्ड लेबर की, ठीक है। आप बोलोगे सर चाइल्ड लेबर तो अभी बंद है लेकिन इंडस्ट्री में तो करते हैं। कौन सी इंडस्ट्री में सर? मूवीज में तो बच्चे दिखाते हैं, मूवीज में तो काम करते हैं सर। कंसेंट फिर कहां गया? इंडस्ट्री इज द इंडस्ट्री, नो मैटर व्हाट इज इट सर। कंसेंट की बात आती है वहां पे, क्यों कंसेंट की बात क्यों आती है? कंसेंट लेना पड़ता है हमें वहां पे, जब जहां पे भी जाएंगे वो बच्चे काम करेंगे तो कंसेंट लेने के लिए उनके पेरेंट्स के सिग्नेचर करवाए जाते हैं कि आप यहाँ पे सिग्नेचर करो, हमारे साथ कॉन्टेक्ट में है ये बच्चा और इतने साल तक कॉन्टेक्ट में रहेगा, इतने घंटे काम करेगा। अभी वर्डिक्ट आई थी 2-3 दिन पहले ही कि उनके काम को भी लिमिटेड कर दिया गया है, जो घंटे हैं काम के लिमिट कर दिए गए हैं। एज, इसके अंदर हम एज की बात करेंगे 24 के अंदर। कौन सी एज की सर? राइट टू वोट ही आपका अगर 18 साल है, ठीक है, तो आपको क्या दिया है?
क्या दिया है, राइट टू वोट अगर आपको 18 साल है तो मतलब आपको आप सेल्फ डिक्लेरेशन कर सकते हो 18 साल के बाद, खुद को डिफाइन कर सकते हो, साइन कर सकते हो खुद के, पेरेंट्स की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप किसी के साथ कांटेक्ट में आते हो तो क्या पेरेंट्स को लेके आओगे? अगर मान लो कोर्ट में कोई भी आपका डॉक्यूमेंट बनवाना है और वेरीफाई करना है तो आप क्या पेरेंट्स के पास लेके जाओगे कि पेरेंट्स वेरीफाई करेंगे? सेल्फ डिक्लेमेशन लिखा होता है वहां पे कि जो भी है ये ऊपर दी गई इंफॉर्मेशन मेरे अकॉर्डिंग सही है, तो वहां पे साइन करते हो या नहीं करते हो? नहीं करते, या पेरेंट्स करते हैं? बता दो, आप ही करते हो ना, तो आप ही करते हो तो वो कब करेंगे? ये रूल एंड प्रोसीजर्स ऑफ पार्लियामेंट। सभी में मान लो सभी में क्या है, इलेक्शन कंपलसरी है, सभी का इलेक्शन कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आता है तो कॉन्ट्रैक्ट आएगा इंडियन ये क्या बोलते हैं इसको, कंज्यूमर एक्ट, इंडियन कंज्यूमर एक्ट 1872 के अंदर आएगा कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ आते हो, मतलब अभी बात कर रहे थे सर कॉन्ट्रैक्ट मतलब साइन करना। हर जो भी इंडस्ट्री में काम करता है, आप ही काम कर रहे हो या फिर हम काम कर रहे हैं, तो आपके और इस इंस्टीट्यूट के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। हम आपको एक साल तक एजुकेशन देंगे, एक साल तक हम आपको कोचिंग प्रोवाइड करवाएंगे, वो भी कौन सी, यूपीएससी के, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना। आप हमें फीस दोगे तो हमें एक साल तक आपको, ये कॉन्ट्रैक्ट ही है। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपकी 18 साल एज है। कंसेंट सर किस तरह की कंसेंट? कंसेंट कोई भी हो सकता है, कंसेंट कोई भी हो सकता है। राइट टू प्राइवेसी था, अभी बात कर लेते हैं कंसेंट में आता है या नहीं आता। एक सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल केस मैं बताता हूं, ये था अभी आया था ना 3-4 साल पहले, उस पर मूवी भी है आयुष्मान खुराना की। अरे समलैंगिक विवाह, समलैंगिक विवाह, सेम सेक्स में मैरिज कर सकते हैं, आया था एक्ट, आया नहीं, वो कंसेंट पे है या नहीं है? पहले क्या करती थी पुलिस, उठा लेती थी है ना, और अभी पुलिस प्रोटेक्शन देती है। क्यों हो गया सर ऐसा एकदम से उल्टा काम? क्यों? क्योंकि कंसेंट मिलने लग गया, राइट टू प्राइवेसी हो गया। राइट टू प्राइवेसी हो गया मतलब मेरी मर्जी है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी हो गया, मेरी मर्जी है कि मैं किसी से शादी करूं, मेरी कंसेंट है, अपनी मर्जी से मैं शादी कर रहा हूं। अगर विदाउट कंसेंट है यानी कि रेप हो रहा है, सेक्शन 376 आईपीसी केस दर्ज हो गया, केस रजिस्टर्ड हो गया, सेक्शन किसके अंडर, 376 आईपीसी के अंडर। अब लैक ऑफ कंसेंट एंड पेनिट्रेशन, लैक ऑफ कंसेंट सर ये क्या, इसमें भी कंसेंट होता है रेप में? नहीं, लैक ऑफ कंसेंट का हम मतलब बता रहे हैं कि भाई आप अगर किसी माइनर के साथ कुछ भी करते हो तो उसको हमेशा लैक ऑफ कंसेंट बोला जाएगा और उस मामले में आपको सजा होगी ही होगी, पॉक्सो एक्ट लगेगा।
जुवेनाइल एक्ट लग जाएगा। अगर पेनिट्रेशन की मैं बात करता हूं, अगर मान लो कोई भी इनमें से जो लड़की है वो 18 साल की है, लड़का 21 साल का है, मैरिजेबल एज है, 18 साल से दोनों ही ऊपर है, मान लो 18 साल से दोनों ही ऊपर है, और कंसेंट विद कंसेंट क्या हो रहा है, विद कंसेंट दोनों अपने साथ आ रहे हैं, दोनों साथ आ रहे हैं, तो क्या कोई चार्जेस लगेंगे? नहीं लगेंगे। अगर ये विदाउट कंसेंट हुआ, विदाउट कंसेंट हुआ तो रेप के चार्जेस लगेंगे। इसमें तो चार्जेस लगने ही लगने हैं, लगने ही लगने हैं, चाहे दैट मे बी कंसेंट और विदाउट कंसेंट। अगर 18 साल से कम है, मे बी कुछ भी हो, चार्जेस लगने ही लगने हैं इसका। क्लियर हो गया? इधर आ जाइए, इधर देख लेते हैं। मैरिज एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं आप, मैरिज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं तो उसकी भी एज अभी तो इसकी कितनी कर दी गई है, फीमेल की भी, फीमेल की भी बढ़ा दी गई है, पहले थी 23। आर्टिकल 24 की मैं बात करता हूं। आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इनटू फैक्ट्रीज। कोई भी बच्चा कहां काम नहीं करेगा? फैक्ट्रीज में काम नहीं करेगा। सर क्यों नहीं करेगा? अभी तो आप कह रहे थे कि इंडस्ट्री में काम करते हैं बच्चे। हाँ भाई करते हैं, लेकिन हजार्डस इंडस्ट्री में काम नहीं करेगा। अब देखिए 18 साल है, अगर एज 18 साल है, 18 साल है, वो इंडिपेंडेंटली कहीं पे भी काम कर सकता है, इंडिपेंडेंटली किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकता है, वो कोई नहीं रोकेगा। अगर एज 18 साल से कम है, 18 साल से कम है, तो पेरेंट्स के साथ, पेरेंट के साथ क्या कर सकता है? वो काम में हाथ बटा सकता है। अगर पेरेंट कहीं काम कर रहे हैं तो गार्जियंस के साथ हो जा सकता है। जैसे कल का मैंने केस बताया था कि बच्चों को ले जाया जाता है गार्जियन बनके और उनसे फैक्ट्री में काम करवाया जाता है। गार्जियंस के साथ या पेरेंट्स के साथ वो क्या करवा सकता है? काम में हाथ बटा सकता है, लेकिन फैक्ट्री में फिर भी काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां हमारे यहाँ पे लिखा गया है 14 से 18 साल का बच्चा कहाँ नहीं करेगा, हजार्डस इंडस्ट्री में काम नहीं करेगा। मतलब 14 साल से कम एज का बच्चा हजार्डस इंडस्ट्री में काम नहीं करेगा, 14 से ऑनवर्ड। देखने को मिलता है तो सारे काम है, बोला जाता है ढाबे पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये काम नहीं करेंगे, उसी ढाबे पे वही छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, ठीक है। 14 से 18 साल का कहाँ काम नहीं करेगा? किसी हजार्डस इंडस्ट्री में काम नहीं करेगा 18 साल तक, उसके बाद कहाँ करेगा? चाहे वो किसी भी, चाहे जहर बनाने वाली फैक्ट्री में काम करे, लेकिन 14 से 18 साल तक वो वहां काम नहीं करेगा। सर 14 से पहले क्या करेगा? 14 से पहले वो कहीं काम नहीं कर सकता, क्योंकि अभी हमने पढ़ा 6 से 14 साल तक वो क्या लेगा?
एजुकेशन लेगा और वो भी कौन सी, एलिमेंट्री एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, और उसी की नेटिव लैंग्वेज में, मदर टंग में वो एजुकेशन लेगा। क्लियर है, समझ आया, एक दूसरे से जोड़ पा रहे हो इसको? आर्टिकल 25 टू 28 की बात करते हैं। 25 टू 28 सर क्या कहते हैं? 25 टू 28 रिलीजन के बारे में बात करते हैं। फोर्टीन टू 18 कर सकता है, लेकिन हजार्डस में नहीं करेगा, पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में नहीं करेगा, केमिकल वाली में नहीं करेगा, जहां उसकी हेल्थ को कुछ भी हो सके। मास्क बनाने वाली में कर सकता है, जैसे अभी इन्वॉल्व थे ज्यादातर बच्चे मास्क बनाने। लेट कैसे मैम? पच्चीस छब्बीस दो आर्टिकल हैं, 25 एंड 26 इंडिविजुअल की बात करेंगे। 27 एंड 28 किसकी बात करेंगे? ये बड़ा प्यारा सा ट्रायंगल है, किसकी बात करेंगे? रिलीजन की, स्टेट की और एजुकेशन की बात करेंगे, रिलीजन की, स्टेट की और एजुकेशन की बात करेंगे, इन तीन चीजों की बात करेंगे। अब मैं बात कर लेता हूं, यहां आ जाइए। मान लो मैं 25 की बात करता हूं, स्टेट क्या कहता है कि भाई हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। यहां आ जाइए ना आप, क्योंकि मैं तो यहां बार बार घूमूंगा। स्टेट किसी को कोई फेवरेट नहीं है स्टेट का रिलीजन, ऑल रिलीजन आर इक्वली, ठीक है? और रिलीजन हमेशा क्या है, रिलीजन हमेशा क्या है, लॉ सुपीरियर, ठीक है? अब ये क्या कर रहा है, प्रमोट रिलीजियस इक्वालिटी। ये सारी चीजें रिलीजियस इक्वालिटी दिखा रही हैं या नहीं? अरे हम क्या बोलते हैं, सर्वधर्म संभव बोलते हैं। सर्वधर्म संभव क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे रिलीजियस इक्वालिटी है, हम सभी धर्मों को एक ही तराजू में तोलते हैं, चाहे वो कोई भी हो। अब ये नहीं बोलोगे सर ये तो बता दो कि माइनॉरिटी क्या होती है। माइनॉरिटी वैसे डिस्कस आगे करेंगे रिलीजन के बेसिस पे, हमारे यहाँ पे सारी तरह की माइनॉरिटी, किसी को डिफाइन नहीं किया गया, टू बी स्पेसिफिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं किया। यहां से आप साउथ इंडिया में चले जाओ तो हिंदुओं की माइनॉरिटी हो जाएगी क्रिश्चियनिटी के, अब वो यहाँ आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जहाँ हिंदी डोमिनेट है वो माइनॉरिटी में आ जाएगा। तो एरिया वाइज डिपेंड है कि हम कहाँ पे है, ठीक है? अब जो आपका इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के अंदर क्या हो सकता है, फेथ प्रोफेस प्रैक्टिस प्रमोट, वो अपने रिलीजन के लिए कर सकता है। भाई आपका फेथ क्या है, आप प्रोफेस कैसे कर रहे हैं उसको, आपका प्रैक्टिस कैसा है, वो आपके अकॉर्डिंग। जैसे दो इंडिविजुअल हैं, दोनों की शादी हुई, दोनों अलग अलग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे बहुत फेमस आईएएस ऑफिसर थे दो, जिन्होंने शादी की, बाद में दोनों सेपरेट हो गए, पता नहीं नाम तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब दोनों का रिलीजन अलग अलग था तो अपनी प्रैक्टिस भी अलग अलग कर रहे होंगे। क्या शादी के बाद रिलीजन चेंज हो सकता है या हो जाता है? जरूरी नहीं, आप करो तो आपकी मर्जी, नहीं करो तो हाँ, ना करो तो आपकी मर्जी। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि हर एक केस में ऐसा होता है कि लास्ट में यही दो रास्ते होते हैं, नहीं। मेरा एक दोस्त है, उसके फादर पंजाबी हैं और उसकी मदर जैन है, और मेरे से भी 3-4 साल बड़ा है, मतलब लगभग अगर बात करें तो 35-34 की एज का है।
तो रिलेशन ऐसे भी होते हैं जो बहुत लंबे चलते हैं, और रिलेशन ऐसे भी होते हैं जहां पे अगर आइडियोलॉजी की और क्या बोलते हैं उसको, अंडरस्टैंडिंग ना हो तो फिर सेपरेशन हो जाता है। देखिए यहाँ एक बार बात कर लेते हैं, ये चीज अभी बताई मैंने क्या है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एस्टेब्लिश की बात की जाती है, टैक्स फ्री करने की बात की जाती है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूट आप कर क्या कर सकते हो, रिलीजियस इंस्टीट्यूट आप बना सकते हो। कैसे सर? रिलीजियस इंस्टीट्यूट कैसे बना सकते हैं? सेंट स्टीफन कॉलेज, जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, वाराणसी में, ये आपका कौन सी यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये क्या है? रिलीजियस इंस्टीट्यूट ही तो है या नहीं है? मदरसा रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, गुरुकुल रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, ये टैक्स फ्री होते हैं। सर टैक्स फ्री का मतलब क्या हुआ? इनको टैक्स नहीं देना होता। अगर आप यहाँ पे पैसे भी दान करते हो तो भी आपको टैक्स नहीं देना होता उस इनकम पे जो आपने यहाँ पे दी। लेकिन हाँ आगे बात करेंगे, ये फीस ले सकते हैं, फी ले सकते हैं। सर फी क्यों लेंगे? क्योंकि उस जगह को इनको मेंटेन करना है, इसलिए फी ले सकते हैं, बाकी कुछ ले नहीं सकते आपसे टैक्स वगैरह। एक बार इसमें देख लेते हैं फिर कहोगे वरना। यहाँ आ जाओ, 25 क्या कह रहा है, देखिए 25 क्या कह रहा है, 25 क्या कह रहा है, समझ आया कुछ? यहां से देखिए, सभी को बराबर का अधिकार है कि वो प्रोफेस कर सकता है, अभी तो बोले थे ये चारों वर्ड, लेकिन इनके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। सर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या है? ये राइट लिया भी जा सकता है, अगर मान लो आप रास्ते के बीच में बैठ के जागरण कर रहे हैं, भाई रोड पे बैठ के माता का जगराता हो रहा है, और किसी की हेल्थ इश्यू आ गए, मतलब अभी जैसे कोविड के टाइम था, कोविड के टाइम पे ये सब कुछ बंद कर दिया गया। क्यों कर दिया गया सर? हमारा तो फंडामेंटल राइट है, हम पूजा कर सकते हैं, हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, हम तो लोगों को बुला के हमारे घर में पूजा करवाएंगे, हम तो रोड पे टेंट लगा के वहां पे जगराता करेंगे। भाई यहां पे पहला लिखा हुआ है पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, मॉरेलिटी मेंटेन करने के लिए और हेल्थ, इन तीन ग्राउंड पे आपका ये हटाया जा सकता है। सर हेल्थ का क्या होगा? अभी कोविड, सर पब्लिक ऑर्डर, दंगे भड़क रहे हैं, मॉरेलिटी, मॉरेलिटी क्या होता है? रिलीजियस हार्मोनी बनाने के लिए मॉरेलिटी एस्टेब्लिश करने के लिए कि भाई दंगा ना भड़के। अभी एक तरफ हिंदू शुरू हो जाएगा और दूसरी तरफ मुस्लिम शुरू हो जाएगा, अब बीच में जो रह गए जो ऐसे थे, ठीक है भाई हिंदुओं का चल रहा है मुस्लिमों का चल रहा है, चलने तो अपने को कुछ नहीं लेना देना, लेकिन लाउड स्पीकर से दोनों परेशान हो जाएंगे क्योंकि उनके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। लाउड स्पीकर भी आप नहीं करा सकते भाई, वो भी आपका प्राइवेसी को ब्रीच करता है, राइट टू रिमेन साइलेंट। सुबह सुबह किसी ने 4 बजे आरती चला दी, मेरे मेरे गांव में चलाता था, जहां हम रहते हैं वहां चला देता था, किसी ने कंप्लेन कर दी, सुबह सुबह आए उसका तामझाम सारा उठा ले गए पुलिस वाले,
वो बोला चलाऊंगा, बंद नहीं करो, रोज चलाऊंगा। पुलिस वाले बोले ले चला ले, तू तू भी चला ले, उठा ले गए। और होता भी है, इसने योगी जी ने उतरवा दिए सारे, क्योंकि हिंदू तो सुबह और शाम ही तंग करते हैं, ये तो दिन में पांच बार तंग करते हैं। अगर किसी का घर में, घर पास में हो तो यही नहीं समझ आ रहा वहां पे कोई रो रहा है या फिर क्या हो रहा है। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट कर दिया, बोल दो सर चार्ज लगेगा आपका। नेक्स्ट देखिए, सेकंड के सेकंड पॉइंट क्या है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी अफेक्टेड द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। मतलब सेकंड क्लॉज क्या कह रहा है कि लॉ, कोई भी स्टेट है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट है, इसके लिए लॉ बना सकती है, इसके ऊपर नए लॉ लेके आ सकती है, लेकिन वो लॉ ऐसा नहीं है कि इन चीजों पे जो अभी हमने पढ़ा है इन चीजों के ऊपर कोई इम्पैक्ट डालेगा। आप अपने मन के अकॉर्डिंग कोई भी रिलीजन ले सकते हो, इसको कोई नहीं रोकेगा। लॉ आ सकता है, कल को हो सकता है इस जगह एक और जुड़ जाए। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, वो यहां पे सिर्फ एक वर्ड जोड़ दे, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जोड़ दे। अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कुछ भी हो सकती है, किसी भी ग्राउंड पे आपका राइट टू रिलीजन लिया जा सकता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्या लिखा है सब क्लॉज में, क्या लिखा है सेकंड का सब क्लॉज है, रेस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी विच मे बी एसोसिएटेड विद द, ऐसा ही है ना, हाया नहीं है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन रोका जा सकता है। आप धर्म के नाम पे किसी से पैसे ऐठो वो भी रोका जा सकता है, मतलब धर्म का व्यापार नहीं होगा, धर्म के नाम पे व्यापार नहीं होगा। समझ गया। नेक्स्ट प्रोविजन में क्या लिखा है, सॉरी नेक्स्ट सब क्लास में क्या लिखा है, समझ नहीं आया बता दोगे क्या लिखा है, मुझे पढ़ना नहीं आता बता दो भाई, अनपढ़ हूं। समझ गए तो समझा दो भाई, सर दो तीन बार और देखने दो अभी। सेकंड क्लास में क्या है ऐसा, क्या बोल रहा है, प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ ए पब्लिक चार्टर ऑफ ऑल क्लास एंड सेक्शन ऑफ हिंदू। मतलब जितना भी है हिंदू में कौन कौन आता है पहले तो ये बता दो मुझे, हिंदू में कौन कौन आता है। सर हिंदू में सिर्फ हिंदू आते हैं, सिख नहीं आते, जैन नहीं आते, बुद्ध नहीं आते, आते हैं या नहीं आते, तो उन सभी के लिए हिंदू इंस्टीट्यूशन क्या है, खुले हैं, हमेशा खुले रहेंगे। हिंदू के जो सब डिवीजन आते हैं ना वो सारे हिंदुओं के अंदर आते हैं, मतलब जैसे आपके सिख हो गया, कल भी बात कर रहे थे कृपाण, कृपाण का एक्सेप्शन रहता है सिखों में। विदाउट आर्म्स एसोसिएशन हम बोलते हैं कि हमारा क्या है, राइट है, लेकिन आप बोलोगे सर निहंग और ये जो आपके सिख होते हैं ये तो सर कृपाण भी लेके आते हैं,
कृपाण क्या होती है? हाँ, वो यहाँ पे पहनते हैं, जो असली सरदार होगा उस पे पांच चीज मिलेंगी, 5K मिलेंगे उसके पास। सेकंड एक्सप्लेनेशन देखो क्या बोल रहा है। इंक्लूड होते हैं या नहीं होते? ट्वेंटी सिक्स देखिए, 26 क्या कर रहा है? वही उसी चीज की बात कर रहा है, पब्लिक ऑर्डर, मॉरेलिटी एंड हेल्थ के बेसिस पे आपका मैनेज ऑफ रिलीजियस अफेयर है वो हटाया जा सकता है। 26 राइट किस बेसिस पे आपसे लिया जा सकता है? मैनेजमेंट के हिसाब से, किस हिसाब से ली जा सकती है आपके? हमने क्या बात की थी कि 24-25 इंडिविजुअल से रिलेटेड बात करेंगे और 26-27 किससे रिलेटेड बात करेंगे? इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड बात करेंगे। अब ये कौन सा आ गया? 26 आ गया। सर 26 में तो अभी आप कह रहे थे कि हम इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, अभी तक तो आया नहीं है भाई। मैनेज कैसे करोगे रिलीजन को? रिलीजियस अफेयर मेंटेन कैसे करोगे? बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट। कोई भी आप इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करो, कोई भी एस्टेब्लिश करो आप इंस्टीट्यूट, रिलीजियस अफेयर जिसमें क्या हो, मेंटेन कर रहे हो आप रिलीजन को, मेंटेन कर रहे हो कैसा? देखिए यहां आ जाइए एक बार, देखिए यहां पे अच्छा 27-28 लिखा है, 26-25-26 पहले एक बार 26 देख लो फिर 27 देखते हैं। सॉरी ट्वेंटी सिक्स क्या है पढ़िए एक बार फिर 27 देखते हैं। इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है? बना सकता है, ठीक है, चैरिटेबल पर्पज के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट भी बना सकता है वो, ठीक है, और क्या कर सकता है? रिलीजियस अफेयर किसी भी मैटर में क्या कर सकता है वो, अपने अफेयर्स मेंटेन कर सकता है। मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर ये क्या होती है मूवेबल इमूवेबल? मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? चल अचल संपत्ति बोल दो, है ना, बताइए मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? पैसा मूवेबल प्रॉपर्टी, पैसा एक जगह से दूसरी जगह जाता है या नहीं जाता? मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, मंदिर है, मंदिर को उठा के ले जाओगे, लैंड है उठा के ले जाओगे, मूव करवा लोगे, सर आजकल टेक्नोलॉजी आ रही है हम करवा लेंगे, यही है ना। लेकिन किसी के बैंक अकाउंट में तो डिपॉजिट फिर भी नहीं करवा सकते, तो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं? वो इंस्टीट्यूशन रख सकता है, लेकिन उस प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेगा? अकॉर्डिंग टू लॉ, विद लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए।
क्यों होना चाहिए? अभी साईं मंदिर की बात की, जो 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 मंदिर हैं, जैसे जैसे मंदिर हैं उनकी बात कर रहे हैं भाई। उनमें अगर लगता है कि कुछ घपला हो रहा है, पैसे इधर उधर जा रहे हैं, तो लॉ आ जाएगा, लॉ के हिसाब से मेंटेन करनी है, ठीक है। आपको वहां ये क्या बिठा देंगे, सीए बिठा देगा वहां पे गवर्नमेंट। अब करो मेंटेन, ट्रस्ट वहां से ऑन कर लो, ट्रस्ट बना दिए रिलीजियस अफेयर को मेंटेन करने के लिए। ट्रस्ट क्या कर रहे हैं अब, उस मंदिर को मेंटेन कर रहे हैं, ट्रस्ट उस मंदिर को मेंटेन कर रहे हैं, समझ आया? तो ये क्या है, इंस्टीट्यूशन नहीं तो है ट्रस्ट। ट्रस्ट देखेगा, मान लो अभी राम मंदिर बन रहा है अयोध्या, इसका ट्रस्ट बन गया ना, पैसा आएगा सारा ट्रस्ट में जाएगा, ट्रस्ट ही उसको मेंटेन करेगा कि कौन सा पैसा, कितना पैसा कहां लगाना है। सर ट्रस्ट होता क्या है, ट्रस्ट होता क्या है, क्या होता है ट्रस्ट? सर इंस्टीट्यूशन होता है। अरे कैसा इंस्टीट्यूशन होता है, क्या बच्चे पढ़ते हैं उसमें? कॉलेज भी एक इंस्टीट्यूशन है, स्कूल भी एक इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अलग से रिलीजियस। ट्रस्ट तो किसी का भी बन सकता है ना, ट्रस्ट तो हॉस्पिटल का भी होता है भाई, फिर है क्या सोसाइटी? क्या है सोसाइटी भी, तो वो अपने वाली सोसाइटी नहीं जो लोग बनाते हैं सोसाइटी, उसकी बात कर रहा हूं मैं। सोसाइटी बना लेते हैं लोग, वो भी एक इंस्टीट्यूशन ही तो है किसी पर्टिकुलर पर्पस को मेंटेन करने के लिए। ट्रस्ट क्या है, सोसाइटी क्या है, 7 से 8 लोग अपनी मर्जी से मिलके किसी चीज को मेंटेन करने के लिए, किसी चीज को चलाने के लिए, उनके कुछ रूल रेगुलेशन बना देते हैं कि आप इन इन क्राइटेरिया उसको फुलफिल करिए और ऐसे इसको मेंटेन करना है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रस्ट। ट्रस्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग जितने भी लोग हैं उनका उन लोगों पे क्या है, ट्रस्ट ही तो है। मान लो गुरुद्वारा कमेटी बनी थी, गुरुद्वारा कमेटी बनी तो उसके बाद ट्रस्ट आए या नहीं आए, नहीं पता होगा। अभी जितने भी गुरुद्वारा हैं सब में ऑलमोस्ट में ट्रस्ट है, ट्रस्ट के अंडर चलते हैं। इसीलिए गुरुद्वारा में क्या होता है, लंगर लगता है, वो कोई इंडिविजुअल भी लगा सकता है और वो ट्रस्ट तो रेगुलरली लगाएगा ही लगाएगा, सुबह शाम खाना खिलाएंगे ही खिलाएंगे। आप हिंदुओं के मंदिर में चले जाओ, वहां जाके पंडित से बोल दो कि भाई मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे, पंडित कहेगा तू ही ला दे 10-12 रुपए। लेकिन आप गुरुद्वारा में जाओ, वहां आपको सोने के लिए बिस्तर भी मिलेगा और खाने के लिए भोजन भी। नेक्स्ट देखिए 27 क्या कह रहे हैं, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब आप अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए अगर आप किसी मंदिर में कोई राशि दान करोगे तो आप पे टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा कोई और पे? सर हम तो कमाते ही नहीं है तो टैक्स कहां से लेगी गवर्नमेंट? है ना? तो सर आप भरोगे, आप मंदिर के लिए दान करोगे, आपसे जरूर ले लेगी। क्यों लेगी भाई, मैं भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, अपने रिलीजन को प्रमोट कर रहा हूं, इसलिए मैं भी नहीं दूंगा टैक्स। मैं क्यों दूंगा, मैं भी मना कर दूंगा, इसीलिए उस इनकम को टैक्स फ्री रखा गया है। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स प्रोसीड्स ऑफ विच आर स्पेसिफिकली appropriated in the payment of expense for the promotion or maintenance of any particular religion or religious domination।
मतलब आप कुछ भी करो, मान लो मैंने ही क्या किया, लंगर लगा दिया या मैंने भंडारा कर दिया, क्या होगा? टैक्स देना पड़ेगा उसे इनकम पे। मैंने 5 लाख खर्च कर दिए और मैंने दिखा दिए 7 लाख, टैक्स लगेगा उस 2 लाख पे? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ट्वेंटी एट क्या कहता है? कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं लगेगी एजुकेशन पे। सर ऐसा तो नहीं है बचपन में हम जब स्कूल से जा रहे हैं तब से सुबह सुबह प्रेयर गवाई जा रही है? जर्नलाइज स्टैंडर्ड पे क्यों होती है भाई? सर हम तो वहां पढ़े हैं, सिख स्कूल में पढ़े हैं, तो सुबह सुबह हमें सिखों की प्रेयर गानी पड़ती थी। सर हम प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं लेकिन फिर भी हमें प्रेयर गानी पड़ती थी। अरे नो मैटर प्रेयर क्या है, चाहे आप भगवान को गाली दे रहे हो उसमें, नो मैटर, लेकिन आप प्रेयर तो गा रहे हो। कंपल्सरी नहीं है। क्यों नहीं है कंपल्सरी? हाँ भाई मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं गाऊंगा प्रेयर, जिसको गानी है गा ले, जिसको गानी है गा ले, कोई मेरे ऊपर फोर्सेबल नहीं है, फोर्स नहीं कर सकता मुझे। क्यों नहीं कर सकता सर? क्योंकि मेरा राइट है, क्योंकि मेरा राइट है, मेरे पास फंडामेंटल राइट है। मैं चाहूं तो कर भी सकता हूं, मैं चाहूं तो नहीं कर सकता। सर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है सर? सरकारी स्कूल में बोल के दिखाओ। सर आप गुरुकुल में जाके बोल के दिखाओ कि मैं प्रेयर नहीं गाऊंगा, वहां कंपल्सरी है। प्राइवेट स्कूल में आप बोल सकते हो मैं तो नहीं गाऊं। देखिए क्या लिखा है, रिलीजन कांट बी क्या लिखा है? मतलब मुझे समझ नहीं आया। कि रिलीजन को कहां नहीं पढ़ा सकते? क्यों सर, क्यों नहीं पढ़ा सकते स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में? अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने स्टेट हैव नो रिलीजन। हमारे स्टेट का कोई रिलीजन है तो फिर आप हिंदी मैं बोलूंगा यहाँ पे मुझे वेद पढ़ाने हैं, यहाँ पे मुझे रामायण पढ़ानी है, यहाँ पे मुझे महाभारत पढ़ाना है, पॉसिबल है? सेकंड देखिए, स्टेट कांट इंटरफेयर इन द प्रोसेस ऑफ रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। सर क्या बोल रहे हैं आप, समझ नहीं आ रहा। अभी तो बोल रहे थे कि स्टेट में रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है स्टेट के जो इंस्टीट्यूट है, अभी ये क्या कह रहे हो? अभी ये सही कह रहे हैं कि भाई अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूट है तो उसमें स्टेट आके अपनी नाक नहीं घुसाएगा, क्योंकि नाक पे प्लास्टर भी नहीं होता।
हो जाता है। तो भाई इसीलिए बोला गया है कि स्टेट रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर क्या नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। ये तो सर सेक्युलरिज्म का उल्टा हो गया सर। हाँ, अब सीबीएसई जो स्कूल है, सीबीएसई स्कूल में रामायण महाभारत पढ़ाया जाता है भाई। सेंटर स्कूल है ये, सेंटर के अंडर मतलब नॉर्म्स बना दिए सीबीएसई ने। जो स्कूल सीबीएसई के अंडर आएगा उसे पढ़ना पड़ेगा रामायण और महाभारत, कंपलसरी है। सर ऐसा है क्यों? क्योंकि ये क्या है, मोरल मॉरल लिटरेसी फिलोसफी है। हम इसे रिलीजन का पार्ट नहीं मानते, हम इसे किसका पार्ट मानते हैं, फिलोसफी का। इसीलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि हिंदू जो ये है हमारा हिंदू धर्म, इसके अंदर कोई रिलीजन टेक्स्ट है ही नहीं। क्या है ऐसे दो धर्म बताइए जो बुक के बेसिस पे हैं, रिलीजियस टेक्स्ट के बेसिस पे हैं। हाँ, सिख और एक और क्रिश्चियनिटी, बाइबल, ये क्या है, बुक के बेसिस पे हैं। देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि स्टेट क्या नहीं करेगा, रिलीजियस जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनके साथ स्टेट का कोई नाता नहीं है, स्टेट का और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का झगड़ा ही खत्म हो गया, डाइवोर्स हो गया इनका। अब यहां से टीएमए पाई फाउंडेशन एक क्या आया था, केस था टीएमए पाई फाउंडेशन, इतना जरूरी नहीं है, उसने उसमें एक निकल के आया था, हम वो डिस्कस करेंगे। जो इंस्टीट्यूशन फुली एडेड बाय गवर्नमेंट है, सेमी एडेड और अनएडेड, तीन तरह के इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, या तो गवर्नमेंट चला रही हो या गवर्नमेंट उसको कुछ दे रही हो, सेमी एडेड, ठीक है, या फिर ऐसे जो अकेला कोई चला रहा हो। हाँ या नहीं? इनमें, इन दोनों में क्या हो सकता है, इन दोनों में क्या हो सकता है, रिलीजियस प्रैक्टिस होगी गवर्नमेंट में, रिलीजियस प्रैक्टिस होगी या नहीं होगी, पक्का नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? फुली एडेड में होगी, सेमी एडेड में नहीं होगी, मतलब क्या चाहिए होती है, समझो नहीं। फुली एडेड में क्या, किसमें, फुली एडेड में नहीं होती है, अच्छा विद कंसेंट ऑफ इंडिविजुअल। प्राइवेट, प्राइवेट है, कोई भी प्राइवेट स्कूल है, अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है, मैं प्रेयर नहीं गाना चाहूं, मैं प्रेयर नहीं गाना चाहूं, क्या पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल है? डंडा लगेगा पीछे से, वो चार पांच क्या बोलते हैं हरियाणा में, मैं लड़दू, हाँ वो लड़दू बांगड़ लेके घूमते हैं और पीछे से बिना बताए बांगड़ आएगा और अगले आधे घंटे मेरे दिमाग में वही घूमता रहेगा, सेंटर में रहेगा, प्रेयर गानी है, और अगले दिन सुबह सुबह वो प्रेयर में जाऊंगा तो फिर याद आएगा, अपने आप हाथ उठ जाएंगे प्रेयर गाने के लिए। तो बताइए इसमें, देखिए अगर फुली एडिड है
तो गवर्नमेंट वहां का वेलफेयर भी देखेगा और एडमिनिस्ट्रेशन भी देखेगा। अगर सेमी एडेड है तो वहां पे सिर्फ क्या देखता है, वेलफेयर देखता है। अगर अनएडेड है, कोई भी कुछ भी नहीं मेंटेन कर रहा, अपने आप चल रहा है ये इंस्टीट्यूट, मतलब कोई सरकार से सहायता ही नहीं ली इसने किसी भी तरह की, तो वो उसके ऊपर डिपेंड है कि उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंड है। वो चाहे तो वो रिलीजियस प्रैक्टिस कर भी सकता है, ले भी सकता है गवर्नमेंट से, और वो चाहे तो नहीं भी करवा सकता, उसी के ऊपर है सब अनएडेड में। अब मैं बात करता हूं आपका बहुत फेमस है सेंट स्टीफन कॉलेज डीयू का, खालसा कॉलेज डीयू का। खालसा कॉलेज में किसके बच्चे पढ़ते हैं? सर नाम से ही पता चल रहा है सिख। सेंट स्टीफन में क्रिश्चियन। सर क्या सारे बच्चे क्रिश्चियनिटी के हैं? भाई क्यों, ऐसा क्यों? सर क्यों नहीं है? भाई सेंट स्टीफन डीयू के पास गया, सेंट स्टीफन डीयू के पास गया कि मुझे अपने अंडर ले लूं, ठीक है? तो वो डीयू की सॉवरनिटी एक्सेप्ट कर रहा है। और डीयू क्या है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं बोल रहा मैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोल रहा हूं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, दिल्ली सरकार के अंदर नहीं आती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट एडेड हो गया, मतलब डीयू में जो चलेगा, मतलब डीयू की कट ऑफ को मानना पड़ेगा इसको। हाँ सर मानते हैं, मानते भी हैं, लेकिन सेंट स्टीफन ने ये कहा कि भाई ठीक है मैं आपकी कट ऑफ मानूंगा, लेकिन मेरा एक क्राइटेरिया और है। क्या है? मैं इंटरव्यू लूंगा। ये अकेला इंडिया में ऐसा कॉलेज है जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए क्या लेता है, इंटरव्यू लेता है। सर डीयू में तो चुनाव भी होते हैं, क्या सेंट स्टीफन के बच्चे हिस्सा लेते हैं? नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि भाई मैं सेंट स्टीफन हूं, मैं मेरे बच्चों को ऐसी एक्टिविटी में नहीं धकेलूंगा। क्यों? क्योंकि सर मेरे बच्चे पढ़ने में होशियार हैं, ऐसी एक्टिविटी में धकेलूंगा उनका माइंड कहीं और जाएगा। अब कुछ समझ आया, पल्ले पड़ा, क्या पढ़ रहे हैं? खालसा कॉलेज है, खालसा कॉलेज में भी क्या है, सारे बच्चे हैं। सेंट स्टीफन में भी क्या है, सारे बच्चे हैं, लेकिन प्रेयर क्रिश्चियनिटी की होगी, क्रिश्चियन वाली प्रेयर होगी। क्यों? क्योंकि ये माइनॉरिटीज के लिए, स्पेशल क्रिश्चियंस के लिए। आया नहीं? अब क्रिश्चियन की मान लो इस कॉलेज के अंदर 100 सीटें हैं, 100 में से 50 किसको दे दी, क्रिश्चियंस को दे दी, और 50 जितने अदर है उनको दे दी, या 60 क्रिश्चियंस को दे दी बाकी दूसरों को दे दी। ऐसा नहीं है कि यहां पे जा ही नहीं सकते आप लोग, यहां पे जा सकते हो आप लोग, लेकिन ज्यादा किसको लेंगे, ये क्रिश्चियंस को। खालसा कॉलेज में प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, सिखों को। गुरु नानक स्कूल में किसको दिया जाएगा, वो पढ़ी हुई है गुरु नानक स्कूल से। क्या नाम था, गुरु नानक, या और कुछ नाम था तुम्हारा स्कूल का? यही था। अब यहां पढ़ भी लो जो हमने पढ़ा है अभी तक 28 में। क्या लिखा है, समझ नहीं आया सर।
ऐसे वर्ड्स को लिख लिया करो। मैंने पहले भी कहा है कि जिसको मैं लाइन करूं, अंडरलाइन करूं, या फिर जिसको राउंड करूं, उसको थोड़ा सा लिख लिया करो। वैसे है ये आपके पास, और आज पूरी आपको 50 पेज की एक और मिल गई होगी, सुबह आ गई पीडीएफ। फर्स्ट लेक्चर की याद तो गई मैम, 50 वाले पेज की सुबह सुबह आज। मेरा फोन वहां पड़ा है। नहीं, आज इसका पूरी पॉलिटी का आज पीडीएफ आ जाएगा, पूरी पॉलिटी का आ जाएगा। अच्छा, सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड क्लॉज क्या कह रहा है, सेकंड क्लॉज में क्या लिखा है? सर पता नहीं क्या लिखा है। ये क्या लिखा है सर, क्या हो गया? अभी तो बात की थी, कुछ ऐसे ही बात की थी या नहीं की थी? सर पता नहीं की थी या नहीं की थी, क्योंकि अब वो आप बोल रहे थे और ये लिखा हुआ है, डिफरेंस ये है। क्लास 3 में देखिए क्या लिखा है, सर ऐसा तो कुछ नहीं कहा था, नहीं कहा मैंने, कहा था या नहीं कहा? सर नहीं कहा, तभी तो हम चुपचाप बैठे हैं, नहीं कहा। क्या कहा था जरा बता दो। सर समझ ही नहीं आया लिखा क्या है, ये बात है या कहा ही नहीं मैंने? बताइए मैम क्या लिखा है आपका फर्स्ट डे है। अच्छा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेगा या फिर बाइलिंगुअल चलेगा? जैसे अभी बता रहा हूं वो समझ आ रहा है? पक्का झूठ मत बोलना वरना पड़ोसी गायब मिलेगा कल। समझ आ रहा है ना बेटा, ये क्या लिखा है मुझे ये बता दो बस लास्ट, फिर आगे चलते हैं माइनॉरिटीज पे। सर ये तो समझ आ गया, नो पर्सन लिखा है। सर अगला भी समझ आ गया, ट्रेंडिंग लिखा है। अगला भी समझ आ गया, एनी लिखा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लिखा है, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट आर रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड। सर ये क्या है, आउट ऑफ स्टेट फंड? या तो क्या करेगा, अभी हमने बताया था स्टेट उसको मेंटेन कर रहा है, स्टेट किसी भी तरह का फंड दे रहा है उसको, मतलब है तो वो स्टेट रेडी ही, चाहे वो सेमी हो या फिर फुली। बात नहीं की ना हमने? सर अब समझ आ गया, नो पर्सन का मतलब अभी भी नहीं समझ में आया, इसका मतलब आगे निकलेगा थोड़ा सा। कहां तक हो गया, शैल बी रिक्वायर्ड टू टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस, हाँ यही है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दैट मे बी इंपार्टेड इन सच इंस्टीट्यूशन। सर ये क्या है, ये क्या बला का नाम ले दिया आपने? यहां तक तो ठीक था, अब आगे समझ नहीं आ रहा। शैल बी Shall be required, इस चीज को ध्यान रखना, shall be required to take part in। अच्छा shall be का मतलब क्या होता है?
म्यूचुअल इन फ्यूचर क्या होता है? इन फ्यूचर, अरे बताइए इस लाइन का अर्थ बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा, आपको आती है इंग्लिश, वरना मैं कल से हिंदी की स्लाइड बनाऊंगा, हिंदी में पढ़ाऊंगा। सर इंग्लिश पढ़ी तो है, इतनी नहीं पढ़ी। कब तक पढ़ी है सर? सुबह से बस दोपहर तक पढ़ी है, उसके बाद घर चले गए थे। क्यों? स्कूल की छुट्टी हो गई थी, यही बात है ना। तो कितनी पढ़ी है? पूरी पढ़ी है सुबह से शाम तक, 3 बजे तक तो पढ़ी है। चलो फिर तो ये बता ही सकते हो, 3 बजे वाली में था ये। क्या था भाई? यही तो आपके अंदर यही दिक्कत है कि आप बोल नहीं पाते हो, चीजें पता होते हुए भी बोल नहीं पाते हो। भाई एक चीज बताओ, गलत बोलने के लिए यहाँ क्यों आए? सीखने के लिए आए हो ना, और गलत नहीं बोलोगे तो उसको ठीक कौन करेगा? पेन से। जय हो। हाँ कंपल्सरी हो भी सकता है, शैल बी रिक्वायर्ड टू टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस वर्शिप दैट मे बी कंडक्टेड इन सच इंस्टीट्यूशन। उस ऐसे इंस्टीट्यूट में अगर वो कोई भी रिलीजियस कंडक्शन होता है तो उसको टेक पार्ट करना पड़ेगा, शैल बी करना भी पड़ सकता है या नहीं भी पड़ सकता, उसकी हाँ उसकी मर्जी है। नो पर्सन, वो जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, नो पर्सन, जरूरी नहीं है वो जाए, करना पड़ सकता है। इन एनी सॉरी इन एनी ये भाई ये और बता दीजिए यहां से, लास्ट लाइन, लास्ट लाइन वहां पे रिलीजियस वही है। अगर आपको मान लो अभी आप कोई जामिया में ले इस्लामिया में पढ़ रहे हो और वहां पे कोई उनका फंक्शन हो रहा है, सिर्फ मुस्लिम है वहां पे, आप सीधी सी बात है भाई वहां पे ईद मनाई जा रही है, आप पार्ट लो ना लो आपकी मर्जी है। आप 18 साल से बड़े हो तो पेरेंट का कंसेंट नहीं लेना पड़ेगा, आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट जाके उनसे गले मिलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप स्कूल में हो और वहां पे कोई कोई भी रिलीजियस कुछ भी हो रहा है, आपको जबरदस्ती वो टीचर नहीं करवा सकते वो चीज। क्यों नहीं करवा सकते? सर थोड़ी देर पहले कंसेंट नाम का कोई वर्ड देखा था, विदाउट कंसेंट तो कुछ भी नहीं हो सकता। सर फिर मेरी कंसेंट कौन देगा? मैं तो माइनर हूं, मेरी कंसेंट कौन देगा? मेरी कंसेंट मेरे पेरेंट्स देंगे। क्यों माइनर क्यों हूं? सर मैं 18 साल का हुआ नहीं हूं इसीलिए माइनर हूं, क्योंकि मेरे राइट्स अभी मेरे पास आए नहीं है। कब आएंगे? 18 साल के बाद आएंगे। किसके पास है आपके राइट्स? पेरेंट्स के पास, इसीलिए वो कंसेंट देते हैं आपको। नेक्स्ट पे आ जाइए, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यहीं पे है सारा सब कुछ, इसी में डिफाइन किया हुआ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। बड़े बड़े टेंपल्स के बाद बाहर कैसे साइन बोर्ड्स? साइन बोर्ड्स वही पूछ रहा हूं,
अच्छा वो तो रिलीजियस इंस्टीट्यूट मेंटेन मैनेज करते हैं, वो सब कुछ वही मैनेज करते हैं, वही बोलो ना कि वीआईपी अलग जाते हैं। हाँ जैसे तिरुपति में है वो, एक चीज मैं बताऊं, तिरुपति में क्या है, आप वीआईपी टिकट ले लो आप चले जाओगे, वो तो वो इंस्टीट्यूट मैनेज करता है, गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं है। आदर में नहीं होता, आप यहाँ पे चले जाओ साला सर, वही उसी लाइन में लगना पड़ेगा आपको, और कहीं चले जाओ उसी लाइन में लगना पड़ेगा। कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन है जैसे आपका ये साईं मंदिर, वीआईपी दर्शन होते हैं, चले जाओ आपको सीधे लेके जाएंगे। तिरुपति में आप उतने पैसे की टिकट लो, कितने की है वो, 1000-2000 की है, आप 150 रुपए की टिकट लोगे 3 दिन में नंबर आएगा, आप 2000 की टिकट लोगे 2 घंटे में नंबर आ जाएगा। गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है, गवर्नमेंट थोड़ी कहती है, गवर्नमेंट थोड़ी कोटा देती है कि ये वीआईपी है ये नॉन वीआईपी है, कि इसने गवर्नमेंट को 250 रुपए दिए। अभी हमने बोला ना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मेंटेन करने में गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है, इसीलिए तो हम सेक्युलरिज्म फॉलो करते हैं। आप उस लेक्चर में थे नहीं शायद, वॉचफुल एम्बिवेलेंस हमने बोला था कि मैं अपने बेटे को दूसरे बेटे के चक्कर में लपेट देता हूं क्योंकि उसने दूसरे को लपेटा। यहां आ जाइए, प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, मतलब सर अब माइनॉरिटीज का भी इंटरेस्ट हमें देखना पड़ेगा, बिल्कुल देखना पड़ेगा, उनके लिए भी है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, सर कल्चरल एजुकेशनल राइट्स कैसे हैं, उनको भी क्या दिया गया है कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अभी हम सेंट स्टीफन की बात कर रहे थे, माइनॉरिटीज में है इंस्टीट्यूट बनाया कि नहीं बनाया, जामिया मिलिया इस्लामिया की बात कर रहे थे बनाया कि नहीं बनाया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे बनाया कि नहीं बनाया। माइनॉरिटीज मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया था कि कोर्ट ने इसको या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी जगह पे डिफाइन नहीं किया हुआ। माइनॉरिटीज हैं क्या, माइनॉरिटीज कोई भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, ये नहीं है कि आप यहां हो माइनॉरिटी में हो, थोड़ी दूर आगे फिर से माइनॉरिटी में आ गए और फिर आगे घर के पास चले गए, आपके घर का एरिया आ गया, सर हम तो मेजोरिटी में आ गए क्योंकि यहाँ पे मेरे घर वाले हैं, आप बोल के दिखाए कोई ऐसा नहीं है। आप यहां से साउथ इंडिया में चले जाओगे वहां पे माइनॉरिटी में हो जाओगे, ठीक है, अब वो लोग इधर उधर कहीं पे भी जाते हैं वहां माइनॉरिटी में हो जाओगे, अदर कंट्री में तो माइनॉरिटी में हुई, हाँ श्रीलंकन तमिल्स आ गए, ये कश्मीरी पंडित आ गए, वहां पे पहले मुस्लिम माइनॉरिटी में थे, सबसे ज्यादा किस स्टेट में, इंडिया के किस स्टेट में मुस्लिम है, हाँ हैदराबाद, हैदराबाद में तो नहीं है, हैदराबाद में तो हिंदू भी हैं। कौन से स्टेट में माइनॉरिटी नहीं पूछ रहा, सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर कौन से स्टेट में मुस्लिम है, यूनियन टेरिटरी भी इंक्लूड है, कश्मीर में, किसने कहा कश्मीर में सबसे ज्यादा वो है मुस्लिम है, मतलब अगर कश्मीर का नाम आ गया मतलब मुस्लिम है, अंडमान निकोबार में जी करंट स्टेटस देख सकते हो आप, मोर देन 70% मुस्लिम, 90% के आसपास मुस्लिम है वहां, वहां कुछ है ही नहीं, अच्छी बात करते हो, वहां पे मेरे जैसा अगर आईएएस ले लिया तो मैं तो अंडमान निकोबार जाऊंगा, पहली पोस्टिंग ही मेरी वही होगी भाई, मुझे वही दे दे,
क्यों जा क्यों लोगे सर? उस जैसा माहौल कहीं पे भी नहीं है, उस जैसा माहौल कहीं नहीं है। 11-12 बजे ऑफिस जाओ, 4 बजे 3 बजे कहीं पे भी आ जाओ, आके अपना खेलो और खाओ सो जाओ। ये है वहां की लाइफ। यहाँ दिल्ली में है, दिल्ली के अंदर ही है, दिल्ली के अंदर ही नाम दिल्ली का ही आएगा कि दिल्ली में काम किया है। लेकिन दिल्ली में अगर सेंटर में आ गए ना तो बेटा पैर घिस जाएंगे और फाइल हाथ से नहीं छूटेगी। ये काम करना पड़ेगा, वहां आप आराम से खेलो। हाँ 3 साल के बाद करवा सकते हो, लेकिन क्यों करवाना? 8-10 साल वहीं पड़े रहो, आराम से निकाल दो वहां। उस जैसी जगह कोई नहीं है, स्वर्ग है भाई। अपने बच्चों को भी ले जाओ, घुमा के ले आओ हर एक गर्मियों में वहां, गर्मियों गर्मियों में रखो क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है वहां का। फैमिली को ले जाओ, पड़ोसियों को भी ले जाओ, क्योंकि गवर्नमेंट खर्चा देगी, ट्रेन का खर्चा तो गवर्नमेंट दे देगी, और वैसे भी गवर्नमेंट खर्चा नहीं दे तो गवर्नमेंट इतनी सैलरी तो दे ही देगी, 5 साल बाद 2-2.5 लाख रुपए तो दे ही देगी महीने के। और जो आपका बेटर हाफ होगा वो भी मेरे ख्याल से सेम सर्विस में होगा, तो 4-5 लाख रुपए महीने के आ जाएंगे। और जो टेबल, ये तो व्हाइट मनी है, इसको तो व्हाइट बोल रहे हैं, ये तो आ रहा है, और टेबल के नीचे से जो आ रहा है उसका कोई हिसाब नहीं है। उसको कहाँ मैनेज करोगे? उसको ऐसे ही तो मैनेज कर रहे हैं सर, हम भी काजू खरीदेंगे जैसे दुनिया खरीदती है। आजकल नया धंधा चला है ब्लैक को व्हाइट करने का, काजू खरीदो। हाँ दुबई से आते हैं काजू, और दुबई से आएंगे तो भाई सीधी सी बात है, वहां से मान लो 40 रुपए किलो आ रहे हैं। अब मैंने सामने वाले को बोला कि तू 40 नहीं तो इसको 100 रुपए किलो भेज, अब मैं उसको पैसे दूंगा, वो वापस पैसे मेरे पास भेज देगा। ये ब्लैक मनी क्या हो गई? व्हाइट हो गई। तो मैं भी काजू खरीद लूंगा अगर बन गया तो, अंडेमान घुमा लूंगा अपने बच्चों को, आने वाले बच्चों को। सर हम भी तो आपके बच्चे हैं। अरे तुम भी तो बनोगे साथ साथ, क्या पता तुम में से कहे मैं वहां 10 साल रुकूं, तुम में से एक आधा आके आप यही हो। वहां तो दिमाग खाते थे, यहां भी खाओगे, सीनियर हो, और क्या पता मेरे साथ कोई लवासना में ही बैठा हो। फिर आने वाले 1-2 साल में मान लो तुम्हारा भी सिलेक्शन हो जाए, पर दोनों को अंडेमान तो नहीं मिलेगा, ये कंफर्म है। क्यों नहीं मिलेगा? रैंक में डिफरेंस मिलेगा, हो सकता है तुम्हारी ज्यादा हो मेरी कम हो। अब मुझे दे दिया झारखंड, तो दिक्कत हो जाएगी। उसकी तरफ मुंह करके भी नहीं सो। हाँ यूपी दे सकते हैं, यूपी सही है, वहां फिर सुबह शाम जो वो वहां के लोकल रहेंगे वो फिर वही कहेंगे हाँ बात खाइल बा। अब सुबह से शाम तक ऐसी भाषा सुनोगे कि वो क्या बोल रहा है समझ में ही नहीं आया। हाँ ऐसे ही करके काम चलाना पड़ेगा। वो पूछ रहा है चावल खा लिए? हाँ चाहे खाए ना हो समझ में ही नहीं आया। इंडिया की अपनी एक ब्यूटी है, अपना एक मतलब, हर जगह जाओगे ना कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी आपको जो आपको वहां रहने के लिए मजबूर कर देती है। बहुत अच्छा है, ये सब चीजें चलती रहती हैं। जहां आप रहते हो वहां की लैंग्वेज ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में आप सीख जाते हो।
वर्ड्स आपकी समझ में आने लगते हैं, आप बोल नहीं पाते हो, तो होता है ऐसा। हाँ, इसकी बात कर लेते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। सर माइनॉरिटीज क्या है? माइनॉरिटी के अभी हमने बात की कि माइनॉरिटी की कोई डेफिनेशन नहीं है इंडिया के अंदर, कोई डेफिनेशन नहीं है। क्यों? हर कोई माइनॉरिटी में है, हर कोई कहीं ना कहीं पे मेजोरिटी में है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लोग यहाँ आ जाएंगे, वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? माइनॉरिटी में हो जाएंगे। हम वहां जाएंगे तो हम वहां माइनॉरिटी में, ठीक है? अलग अलग कंडीशन है। क्या लिखा है? उसको प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। क्या क्या? लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर। सर ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, ऐसा लिखा है ना, अभी एक थोड़े दिन पहले असम में क्या हुआ था? असम में कुछ हुआ था जहां से 8 लाख लोग बाहर किए गए, क्या हुआ था? एनआरसी हुआ था, ठीक है? उसमें क्या था? यही तो था, कल्चर को उन्हें क्या करना है? सेव करना है। आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाते हो, आपके पास प्रॉपर ट्रेवल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। क्यों सर? ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे उनके अकॉर्डिंग वो क्या कर रहे हैं? अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को और अपनी स्क्रिप्ट को क्या करके रखेंगे? वो प्रोटेक्ट करके रखेंगे। सर तो क्या हम वहां पे रह भी नहीं सकते? नहीं रह सकते। जमीन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। ले सकते हो लेकिन वहां पे आप रह नहीं सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि आप बाहर के हो और वहां के लोगों को क्या प्रोटेक्ट करना है? उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनका, क्योंकि वो उनकी क्या है? पहचान है। उसको आप नहीं हटा सकते। आप हरियाणा से हरियाणवी कल्चर निकाल के दिखाओ, इनको भी मेंटेन करना है अपना कल्चर, तो इसीलिए दूसरे लोगों को ज्यादातर नहीं आने देते। पंजाब से निकाल के दिखाओ उनका कल्चर, कहीं से हम कल्चर नहीं निकाल सकते। यहां हम क्यों अलाउ करते हैं? क्योंकि हमारा एरिया ऐसा है जहां इन्फ्लेक्स ज्यादा है। बिहार इतना डेवलप नहीं है, यहां से हर स्टेट में आपको बिहारी मिल जाएगा। पंजाब में जाओगे भैया बोलेंगे उसको कि भैया आ गया काम करना है। अब लोग सोचेंगे भाई को बोल रहे हैं भैया, भैया वहां बिहारी को बोलते हैं। सारे भैया वहां खेतों में काम करते हैं। अपने यहाँ पे भी जब हरियाणा में फसल कटनी होती है, जो लेबर जाती है वो एमपी और बिहार से ही जाती है। ये लोग वहां रह क्यों नहीं सकते? वहां रह ले, कुछ लोग रह लेते हैं, कुछ लोग नहीं रहते, क्योंकि हमें भी हमारा कल्चर मेंटेन करना होता है। तो कहीं ना कहीं रिलीजियस या फिर हम कल्चर की बात लेके आ जाते हैं। सर स्क्रिप्ट क्या होता है? अब मान लो ये लोग हैं, कोई भी लोग चले गए वहां पे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में वहां जाके खुद का एक रिलीजियस इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश कर लेते हैं। क्या कर सकते हैं? पहली बात तो कर ही नहीं सकते। अगर कर भी लिया तो ये अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। क्या दूसरे को हार्म होगा? ऑब्वियसली होगा, उनको अपनी स्क्रिप्ट और लैंग्वेज मेंटेन करनी है। अगर दूसरे चले गए तो आज 5 लोग गए हैं, कल वहां 50 भी हो जाएंगे। भाई मेरे, जब मैं प्लस टू में था, हाँ होंगे। अब मैं एक चीज बताता हूँ कि मेरे देखते हुए, मैं जब प्लस टू में था तो मेरे एरिया में मुस्लिम बहुत कम थे, बहुत कम, यानी कि मुश्किल से आप लगाओगे ना 50 होंगे। आज वहां ईद के टाइम में जब इकट्ठा होते हैं तो इतने इकट्ठा होते हैं कि जाने के लिए जगह नहीं होती। कम से कम वो 5,000 होंगे, 5 से 6,000। हाँ
वहां से निकलने के लिए जगह नहीं होती। अब ड्यूरेशन वही है 2009 से 2022 तक, यानी कि लगभग 12 साल हुए हैं, और 12 साल में उनकी पॉपुलेशन डबल का भी ट्रिपल फोर टाइम्स हो गई। तो ये देख सकते हो कि वहां के कल्चर को किस तरह से पॉल्यूट कर दिया जाता है। अगर दूसरा आके रहने लगे वो अपने रिलीजियस अफेयर मेंटेन करेगा, इसीलिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को क्या दिया गया है, स्पेशल स्टेटस दिया गया है कि आपके कल्चर को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। इसीलिए एनआरसी की गई कि जो वहां के नॉन रेजिडेंट है उनको बाहर किया जा सके। यहां से निकलो, तुम यहाँ के कल्चर के नहीं हो, तुम यहाँ के नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि वहां पे लोग आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं सर? वेस्ट बंगाल, सॉरी आपका वेस्ट बंगाल का नाम आ रहा है, बांग्लादेश, बांग्लादेश से आ रहे हैं। रोहिंग्याज का इशू था, रोहिंग्याज आके बस गए वहां पे। तो इसीलिए दूसरों को वहां से निकाला जा रहा है ताकि वो अपना कल्चर मेंटेन कर सके। नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट आर्टिकल, अच्छा नेक्स्ट क्लॉज क्या है, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड, मना नहीं किया जा सकता किसी भी पर्सन को एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेंटेन बाय स्टेट और रिसीविंग एड ऑफ स्टेट फंड, क्या है, grounds only of the religion, race, caste, language and any of them। थोड़े अगर हम आर्टिकल 16 की बात कर रहे थे, उसके रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, वहां पे कुछ वर्ड्स पढ़े थे ऐसे ही, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप किसी को रिलीजन के बेस पे नहीं निकाल सकते। सर इसीलिए तो सेंट स्टीफन में हिंदू भी मुस्लिम भी और एससी एसटी सब कोई चला जाता है। वहां पे क्या हो गया, रिलीजन भी हो गया और आपका क्या हो गया, कास्ट भी हो गया। सर रेस का मतलब क्या है, दौड़ने वाली रेस नहीं, कलर। हम बोल देते हैं ना कि निग्रो है, क्या इंडिया में इंस्टीट्यूशंस में नहीं पढ़ते अफ्रीकन? नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं, उनकी रेस अलग है, हमारी रेस अलग है। हम ऑस्ट्रेलियोपैथिकस से पैदा हुए हैं और वो किससे पैदा हुए हैं, ऑरिजिन इंसान का वहीं से हुआ है। लिए थे लेक्चर, बिहारी बोलने लग गया मैं भी, लिए थे लेक्चर पहला किसका, हमारे उसका एंशिएंट हिस्ट्री का, मदरसा, वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसमें हिंदू नहीं पढ़ सकता क्योंकि वो होली मेंटेन्ड बाय इस्लामिक, गुरुकुल, गुरुकुल में मुस्लिम आना ही नहीं चाहता, लेकिन उसको रोका नहीं किसी ने। अगर आएगा तो उसको हिंदू रिलीजन फॉलो करना पड़ेगा, मस्ट है, इसीलिए आना नहीं चाहता। अगर हिंदू मदरसा में जाएगा तो उसको सारा क्या पढ़ना पड़ेगा, वही हिंदू वाला पढ़ना पड़ेगा, नहीं सॉरी इस्लामिक पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए हम नहीं जाना चाहते। नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट पे क्या कह रहा है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। सर अभी तो पढ़ाया था, हाँ वही तो है, इतनी देर से हम जिसकी बात कर रहे थे वही तो है। सर फिर सारे में क्या फर्क हो गया, सारे आर्टिकल जो सारे फंडामेंटल राइट्स हैं एक दूसरे के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। क्या लिखा है, माइनॉरिटीज, कौन सी माइनॉरिटीज, रिलीजन पे और लैंग्वेज पे बेस हो, रिलीजन और लैंग्वेज पे जो बेस हो उसको अधिकार है किसका, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के, क्या करने का, मेंटेन करना, एस्टेब्लिश करना। सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि वो माइनॉरिटीज हैं, वो अपने कल्चर को अपनी लैंग्वेज को क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, इसीलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लेके आए।
कौन कौन सी माइनॉरिटीज लिखी हैं? रिलीजियस एंड लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी. सर ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी क्या है? आप साउथ इंडिया में चले जाओ, वहां हिंदी बोलो जाके, आप किस में हो जाओगे? माइनॉरिटी में. हाँ या नहीं? वो यहां पे आके तमिल बोले, कन्नड़ बोले, माइनॉरिटीज में. हाँ या नहीं? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाके आप हिंदी बोलो, वहां पे पहाड़ी कुमाऊं, ये लैंग्वेज में. हाँ या नहीं? तो लैंग्वेज के बेसिस पे वो क्या कर सकते हैं? अपना इंस्टीट्यूट बना सकते हैं. धर्म के बेसिस पे जैसे हमने बता दिया आपका मदरसा ऑन्ड बाय इस्लामिक पीपल्स एंड मेंटेन्ड बाय इस्लामिक पीपल्स, एडेड बाय गवर्नमेंट. फर्स्ट लॉज क्या कह रहा है? फर्स्ट ए, दो तीन इतनी चीजें थोड़ी देखनी होती हैं. State shall be ensured the amount of fixed by the क्या लिखा है? कीवर्ड्स ढूंढ दिए हैं मैंने आपके भाई. क्या लिखा है? In making any law providing for the compulsory acquisition of any property, educational institution established and administered by the minority. कौन सी minority? जो कि clause 1 में लिखी हुई है. clause 1 को क्या था सर? कहीं हमने पढ़ा ही नहीं. religious and linguistic minority. The state shall ensure that the amount fixed by determined under the such law for the acquisition of such property is such as would. भाई सीधी सी बात है, इस पढ़ने का छोड़ो. ये है, अगर कोई सरकार religious minority है, उसका institution या किसी भी तरीके से, मान लो कोई कॉलेज government को रोड बनानी और इस रोड के बीच में गांव का स्कूल आ गया और वो गांव का स्कूल किसी माइनॉरिटी का है, अब उसको या तो सरकार बना के देगी या उसके लिए पैसे देगी. सीधी सी बात, कहीं और जमीन दे उसके ऊपर बना के दे या उसके लिए पैसे दे, जमीन के पैसे दे और बनाने के पैसे दे. सीधी सी बात है, ये कहा गया है. क्लॉज 2 में क्या कहा है? भाई आप माइनॉरिटी और लैंग्वेज के बेसिस पे, रेस रिलीजन कास्ट किसी के बेसिस पे, सीधी सी बात है किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, आप हटा ही नहीं सकते, किसी को मना नहीं कर सकते आप. आगे क्या लिखा है सर? आगे आर्टिकल 31 है. आर्टिकल 31 आपके फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है. राइट टू प्रॉपर्टी, अभी ये क्या है आपका, कौन सा राइट है? 300A है. ठीक है, 300A में चला गया है, तो वहां पे हम इसको बात यहां पे बात नहीं करेंगे, वहीं पे बात करेंगे. सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से कहां चला गया फिर? लीगल राइट. हम आ जाते हैं यहां पे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ये क्या है सर? रेमेडीज क्या है? रेमेडीज होती क्या है? हा? हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. रेमेडीज होती क्या है, मैं ये पूछ रहा हूं. रेमेडीज होती क्या है?
सर पता नहीं क्या होती है रेमेडीज।
नहीं नहीं इससे पीछे वाला ये बंद मत कीजिए। हाँ शाम को फिर से लाइव लेना पड़ेगा। नहीं चला चलिए शाम को फिर से लाइव लेना क्लास में यही चलेगा। एक मिनट रुकिए मैं कुछ ऐड कर लेता हूँ इसमें। अभी दिखाना है मुझे। मैं तो सोचा उसमें होगा किसका गाइडलाइंस। अभी तो मैंने बताया गाइडलाइंस होती है रिट्स। अच्छा जितना एक बार मैं ये ऐड करता हूँ तब तक आपने जितना पढ़ा है आर्टिकल 14 से और आर्टिकल 32 तक सारे लिख दीजिए एक बार पेज में। भाई सॉरी किसी ने बंद कर दिया था नो सिग्नल आया इसीलिए किसी ने बंद कर दिया था। आर्टिकल 12 से लेकिन बिना देखे लिखना है। हाँ वहां जाएंगे क्योंकि फ्राइडे को टेस्ट भी है आपका पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का। नहीं आप जहां से आपका शुरू हुआ वहीं से सारा लिखो जो जो आज पढ़ा है लेकिन नट सेल में। हाँ इसी फ्राइडे को। आज क्या हो गया ट्यूसडे कल परसों और फ्राइडे तीनों दिन पेपर है तो आप मत देना। जल्दी से लिखिए तब तक मैं ऐड कर लेता हूं। बस मुझे एक स्लाइड ऐड करनी है इसमें। फिफ्टी तक हो जाएंगे भाई फ्राइडे तक। आज स्पीड नहीं देखी। आज स्पीड ज्यादा है और दिनों से। क्यों ज्यादा है? नहीं क्योंकि वो पीछे वाले तुम्हारे बराबर आ चुके हैं। वो वही 2.5 घंटे की क्लास होती है। वो डिस्कशन भी करते हैं फिर भी इतनी जल्दी आपके बराबर है। हाँ उसमें ये है कि उनके कंसेप्ट क्लियर है उसमें पहले से पढ़े हुए हैं। बाकी एक दो है वहां पे भी। क्या हाँ वो छत्तीसगढ़ से है तो भाई डाउट उसके डाउट बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ उसको वही चाहिए सारा वही चाहिए। एक ही दिन में पूरा बुक का ज्ञान चाहिए उसको। मतलब वो पूछेगा लास्ट पेज पे जो बुक के लिखा हुआ है ना सर ये यहाँ क्यों है। अरे भाई पहले तो वाले पढ़ ले तभी तो लास्ट पेज पे जाएगा।
वो रोज ऐसा ही करता है। लिखिए लिखिए आप, मैं बस बाकी 15 मिनट बचे हैं, 35 तक आज खत्म कर देंगे। आधा घंटा बचा है, 15 मिनट नहीं, सॉरी। मैम टाइम देख रहे हैं क्या? सुबह शाम वो तो बता दिया जाएगा सर, बता देंगे आपको। मैं, मुझे तो नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना आदेश दिया गया है कि आप पेपर बनाइए, तो मुझे सिर्फ पेपर बनाने हैं। हाँ, मेरे पास क्वेश्चन आए हैं, मैं क्वेश्चन बना दूंगा। अब आगे मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है। देख के नहीं लिखना भाई, देख के नहीं लिखना।
क्यों जाएगा, सिविल कोर्ट क्यों जाएगा, प्रॉपर्टी डैमेज हुई है इसीलिए सिविल कोर्ट जाएगा ना कि क्रिमिनल कोर्ट जाएगा। यहां आ जाइए, उत्तराखंड स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। भाई ये हिल स्टेशन पे है, मान लो चलो उत्तराखंड गया मैं घूमने गया, तो मुझे एक बस वाले ने मना कर दिया बिठाने से। क्यों कर दिया? बोले यार तेरे पास बैग भी भारी है और तू भी कुछ भारी लग रहा है। मैं क्या क्यों? बोले ऐसे ही नहीं बैठाता, जा तेरा वजन ज्यादा हो जाएगा, हमारे पास एक ड्राइवर भी है वो भी तेरे जैसा ही भारी है। अब उस बेसिस पे उसने, कंडक्टर ने मुझे मना कर दिया, अब मैं कहां गया? कोर्ट चला गया, कोर्ट में गया मैं, और कोर्ट में मैंने जाके क्या बोला कि देखिए जज साहब मुझे उस कंडक्टर ने बिठाया नहीं। तो जज साहब बोलेंगे तुझे चाहिए क्या? फिर मैं बोल रहा हूं मुझे बिठाया नहीं, तो जज साहब बोलेंगे यही चाहिए ना कि तू बस में बैठे। क्या? हाँ हाँ यही चाहिए। अब वो क्या करेगा? उत्तराखंड जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है उसको गाइडलाइन जारी करेगा और उसको क्या कहेगा कि इसको बस में बिठाया जाए, चाहे भारी क्यों ना हो, वैसे हूं नहीं, चाहे भारी क्यों ना हो, चाहे 200 किलो का हो बस में बिठाओगे, हाँ या नहीं? अब ये क्या किया, क्या किया कोर्ट ने, क्या किया कोर्ट ने, क्या किया, गाइडलाइन दी। इसी गाइडलाइंस को हम क्या बोलते हैं, रिट्स बोलते हैं, हाँ या नहीं? ये क्या है, स्टेट है, स्टेट है या नहीं है? स्टेट है, तो स्टेट के अगेंस्ट भी रिट फाइल हो सकती है। और इससे पहला केस क्या पड़ा था, इंडिविजुअल था, तो इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी रिट लाई जा सकती, दोनों के अगेंस्ट रिट लाई जा सकती, क्लियर है? दोनों एग्जांपल इसीलिए बताए हैं कि इंडिविजुअल भी और आपका स्टेट भी। सर स्टेट कैसे, इसको हम स्टेट कैसे कहेंगे, आर्टिकल 12 में डिफाइन है। आर्टिकल 12 क्या कहता है, गवर्नमेंट ऑन्ड प्रॉपर्टी इज कंसिडर एज द स्टेट, आया नहीं? तो ये स्टेट के अंदर चल रही थी या नहीं, बस प्राइवेट थोड़ी थी, स्टेट के अंडर थी, स्टेट के अंडर थी तो गाइडलाइन आई, कोर्ट ने बोला इसको कि भाई इसको बिठाया जाए। आप देख लेते हैं रिट, ये आपकी रिट की डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है रिट की, क्या डेफिनेशन है? ए डायरेक्शन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट, फ्रॉम द कोर्ट, नो मैटर दिस इज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, लेकिन लोअर कोर्ट नहीं इश्यू कर सकते रिट, लोअर कोर्ट इश्यू नहीं कर सकते, ये याद रखना। लोअर कोर्ट कौन से सर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये आपके इश्यू नहीं कर सकते रिट्स, इनका अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो करेगा वो क्या होगी, डायरेक्टली किसके अंदर, फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन पे आएगी। मतलब अगर आर्टिकल 32 के अंडर आप कहां जा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, तो क्या सिर्फ किसके लिए जाओगे, वहां पे आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हुए हैं, वॉयलेट हुए हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हुए तो ही आप कहां जाओगे, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जब मैं हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं, हाई कोर्ट की रिट भी क्या होती है, डायरेक्टली होती है, किसके डायरेक्टली होती है, फंडामेंटल राइट की वॉयलेशन पे, और आपके लीगल राइट वॉयलेशन पे आप कहां जा सकते हो, सॉरी हाई कोर्ट जा सकते हो। सर हाई कोर्ट जाने के लिए कौन सा आर्टिकल है, 226 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपका, हाई कोर्ट जमीन है आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसके लिए भी हाई कोर्ट जा सकते हो, सेशन कोर्ट में भी जा सकते हो।
अब देखिए वो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन, क्या बोल रहे है? पता नहीं सर क्या बोल रहा है, मुझे तो नहीं। समझ नहीं आया मुझे, समझाइए जरा, समझाइए जरा क्या लिखा है यहाँ पे। बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन हियर केस चैलेंजिंग कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को भी चैलेंज कर सकते हैं लोग, कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज कर सकते हैं हम लोग। लॉ की बात कर रहा है, लॉ ठीक है या नहीं है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, देखा था क्या था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में, क्या था नार्कोटिक्स वाला है एग्जांपल हुआ था, लाई डिटेक्टर टेस्ट था। दूसरा जुवेनाइल वाला क्या था, उसमें क्या देखा था जुवेनाइल वाले में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मनेका गांधी केस क्या देखा था उसमें, क्या ग्राउंड दिया था कि भाई पासपोर्ट क्यों रखा गया, याद आया? अब यहां आ जाइए, अभी बात कर रहे थे, अभी जो देखा आपने आया नहीं, क्योंकि उसके पास दो तरह के राइट देखने का अधिकार है, कौन कौन से राइट्स, फंडामेंटल एंड लीगल राइट्स, हाँ या नहीं? इसीलिए क्या बोला कि भाई इसके इसके ज्यादा मैटर होंगे, ज्यादा केस इसी के पास आएंगे। ये क्या लिखा है, अभी हमने बात की थी कि रिट तो दोनों इशू कर सकते हैं, हाई कोर्ट भी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, हाँ या नहीं? लेकिन लीगल राइट में रिट इशू कौन कर सकता है, हाई कोर्ट। लीगल राइट में रिट इशू कौन कर सकता है, हाई कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है। सर ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, एक होता है एपीलेट और दूसरा होता है ओरिजिनल। एपीलेट में आप पहले सेशन कोर्ट गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए और उसके बाद हाई कोर्ट गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, यानी कि आपने हायरार्कियल ऑर्डर फॉलो किया है, दैट इज द एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। जहां पे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जहां पे आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल सकते हो कि भाई मेरी ये बात है, मेरा फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है, इज द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। समझ आया कि क्या फर्क है एपीलेट और ओरिजिनल में, आया नहीं? अब बात कर लेते हैं, क्या लिखा है, हाई कोर्ट वाइडर ज्यूरिसडिक्शन है, हाई कोर्ट के पास वाइडर ज्यूरिसडिक्शन है, क्यों है भाई? ये स्टेटमेंट आती है पेपर में, हाई कोर्ट हैज वाइडर ये ज्यूरिसडिक्शन इन द केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और सुप्रीम कोर्ट हैड वाइडर ज्यूरिसडिक्शन ओवर द फंडामेंटल राइट वॉयलेशन। बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ दीज आ जाएगा, बताइए। तो वहां पे आपको क्या बोलना पड़ेगा, हाई कोर्ट, क्यों हाई कोर्ट, अभी देखा इससे ऊपर वाली ही लाइन में देखा, क्यों? क्योंकि दोनों राइट, दो राइट हैं, लीगल राइट और फंडामेंटल राइट, हाई कोर्ट दोनों में रिट इशू कर सकता है, इसीलिए क्या हो गया, इसीलिए क्या हो गया, वाइडर ज्यूरिसडिक्शन हो गया, ठीक है। अब देखिए रिट्स पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी रिट्स हैं, रिट्स पहली कौन सी है आपकी, हैबियस कॉर्पस या हैबियस कॉर्पस भी बोल देते हैं इसको, क्या मतलब है हैबियस कॉर्पस का, क्या मतलब है, टू प्रोड्यूस बॉडी और टू प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट, कि कोर्ट के सामने आपको किसी को लेके आना है, कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना है। अब कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना है मतलब
अरेस्ट में, डिटेंशन में, किसी भी चीज में। थोड़े कल हमने पढ़ा था कि 24 विदिन 24 आवर्स आपको लेके आना होगा, ठीक है, एक्सेप्ट सैटरडे संडे, हॉलीडेज हो गया और टाइम ऑफ जर्नी हो गया। इन दोनों चीजों को छोड़ के विद इन 24 आवर्स में आपको लेके आना पड़ेगा। अगर नहीं लेके आए तो क्या हो जाएगा, रिट इश्यू हो जाएगी, आपको कोर्ट क्या बोलेगा, लेके आओ तब लेके जाना पड़ेगा। सर रिट इश्यू कौन करेगा, सुओ मोटो भी हो सकती है। सुओ मोटो क्या हो सकता है, ए कोर्ट कैन टेक एक्शन इटसेल्फ, अपने आप, किसी कोई अपील नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई केस नहीं लगाएगा, अपने आप क्या करेगा, एक्शन ले लिया, सुओ मोटो एक्शन। मैंडमस, मैंडमस, मैंडमस में क्या होगा, लिखवा रखा है, कमांड दी है, मैंडमस में कमांड दी है, क्या कमांड दी है, या तो आप कुछ करो या फिर मत करो। अभी बस कंडक्टर का एग्जांपल लिया था, बस कंडक्टर को क्या बोला, कमांड दी गई, आपको काम करना है, आपको बस में बिठाना है इसे, हाँ या नहीं। नेक्स्ट हम बात कर ले प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन सर ये तो नाम से ही पता लग रहा है हमें, क्या है प्रोहिबिट, मना करना, क्या मना करना भाई, कोर्ट केस है, कोई भी कोर्ट केस है, कोर्ट अगर गलत कोर्ट में है, मान लो अभी हम बात कर रहे हैं सिविल और क्रिमिनल कोर्ट, कोई ऐसा केस चला गया जो सिविल में जाना था और वो क्रिमिनल में चला गया, कोर्ट अपनी ज्यूरिसडिक्शन दे उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, या दे दी हो तो भी हम क्या कर सकते हैं, वहां से कोर्ट, हायर कोर्ट मना करेगा, ये आपकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है, इसको हटा दीजिए, ऊपर भेज दीजिए, उस कोर्ट में भेजिए। सर्च्योरी, यहां पेंडिंग है, फैसला आना पेंडिंग है, लेकिन यहां पे रॉन्ग कोर्ट में है और क्या आ चुका है, केस डिसाइड हो चुका है, फैसला आ चुका है, तो कोर्ट क्या बोलेगा, ये फैसला अमान्य है, आप इस कोर्ट में जाइए। मतलब इसमें तो आपको मना कर दिया कि यहां पे आप वर्डिक्ट नहीं दे सकते, ये आपकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है, यहां पे आपने ज्यूरिसडिक्शन में ले लिया, आपने वर्डिक्ट दे दी, उसके बाद एक्शन लिया गया है। तो दोनों में अलग अलग तरह की प्रोहिबिट एंड सर्च्योरी, कोवरेंटो, अथॉरिटीज, व्हाट इज योर अथॉरिटी, कि आपको अपॉइंट किया है, किसने अपॉइंट किया है, सर किसने अपॉइंट किया है, मान लो आप एक पुलिस वाला है, ठीक है, पुलिस वाला आपको अरेस्ट करने आता है, आप बोलोगे अपना आई कार्ड दिखाओ तब अरेस्ट करना, ये आपकी अथॉरिटी है, आप कहां से आए हो, आपको किसने बोला है, किसने अपॉइंट किया है, हमारी अथॉरिटी, अगर हम आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, हमारी अथॉरिटी क्या है, किसने अपॉइंट किया है हमें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, व्हाट इज योर अथॉरिटी, आप पूछ सकते हो किसी से भी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई भी है, आप उससे पूछ सकते हो कि व्हाट इज योर अथॉरिटी। समझ आया, क्लियर है, रिट्स क्लियर हुई, यहां पे आपका तीन थ्री क्लियर है, प्रीलिम्स नहीं मेंस के साथ साथ करवाया है, इतने सारे केस स्टडी किए हैं, प्रीलिम्स के साथ तो मैं फिर सीधा आर्टिकल ही पढ़ाता ना, अब कल शुरू करेंगे हम डीपीएस के, डीपीएस में भी सीधा सीधा पढ़ना है, इसका टेस्ट ले लें पहले, ठीक है।
ऐसा ही होगा डीपीएसपी में भी, बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। यहाँ इसमें कोई दिक्कत है आज वाले में तो बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? पक्का देख लो फिर कहो कि सर दिक्कत है, एक बार देख लो फिर भी। और ये मैं दे चुका हूँ, ये तो आ चुकी है आपके पास, इसको देने की कोई जरूरत नहीं, फेयर में आ चुकी है आपके पास, उसमें आ जाएगी टेलीग्राम पे, आ जानी चाहिए। देखता हूँ एक बार, मैम ने शायद भेजी होगी। हाँ ऑब्जेक्टिव होगा मैम। अच्छा इससे केमिस्ट्री वो आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं है क्या? पता है क्योंकि हमारा टाइम हो गया है, तो इससे आगे हम कल करते हैं जो भी है हमारा। कल हम डीपीएसपी स्टार्ट करेंगे। Principles of state policy. और वो भी कौन से डायरेक्टिव, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अच्छा स्टेट के लिए होती है ना, स्टेट के लिए कुछ डीपीएसपी पॉजिटिव होती है, कुछ नेगेटिव होती है, पढ़ लेना लिखा हुआ भेजो तो सही। नहीं इससे पहले वाले में है ना, इससे पहले वाले, इससे पहले वाले निकालो, इससे पहले वाले में, इसमें नहीं है, इसमें से फंडामेंटल राइट्स है। वेलकम।